हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है एडवर्टाइजिंग बजट प्रोसेस। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक एडवर्टाइजिंग बजट, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने बात करी थी अबाउट द एडवर्टाइजिंग बजट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक एडवर्टाइजिंग बजट प्रोसेस। तो एडवर्टाइजिंग बजट का क्या प्रोसेस होता है ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट डिस्कस। जब भी हम बजटिंग करते हैं और किसी प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ये एक स्टेप है, हर स्टेप पे हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है और उसी हिसाब से फिर उसको फॉलो करना है। तो एडवर्टाइजिंग बजट का जो प्रोसेस है वो भी यही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू प्रोसीड फर्दर एंड यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग बजट प्रोसेस, सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट। द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्क एंड आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो भी हमारी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। जैसे सपोज आप यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग बजट की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड एंड विच इज रेलिवेंट फॉर योर एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लोगे, जो जो अगर कोई भी एडवर्टाइजिंग आप करने वाले हो तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कलेक्ट इट। सो दैट्स वाई फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट, ठीक है। तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे जो कि आपके लिए क्या है, रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट है आपकी एडवर्टाइजिंग के लिए, और जो भी फंक्शंस आप परफॉर्म करने वाले हो उनसे रिलेटेड है, ठीक है। तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हो और अपने बजट को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी हम बजटिंग कर रहे होते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ओके। द एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्लानिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग वर्क आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आफ्टर दैट सेकेंड वन स्टेप है स्टूडेंट, प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट। तो सेकेंड स्टेप पे हम बात कर रहे हैं किसकी, द नेक्स्ट स्टेप इज टू बजट मेकिंग प्रोसेस आफ्टर इट इज डेवलप्ड बाय द एडवर्टाइजिंग हेड इन द कंसल्टेशन विद द एजेंसी। पर्सनल इज टू प्रेजेंट इट बिफोर द CEO ऑफ फॉर अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रेजेंटेशन रेडी कर लेंगे ताकि हम उसको अप्रूव करवा सकें बाय द ऑथराइज पर्सन, ठीक है, कि भाई हमारे ये रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, इनको ये हमारे फंक्शंस हैं और इनके लिए हमें इतना बजट हमने एलोकेट किया है। तो एक तरीके से आपको प्रेजेंटेशन रेडी करना है कि भाई जो भी स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनके लिए वो कैसे परफॉर्म होंगे, उनके लिए कितना बजट आपने एलोकेट किया, और उसका एक प्रेजेंटेशन आपने रेडी कर लिया। और वो प्रेजेंटेशन आप इन द फ्रंट ऑफ द जो भी अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनके सामने रख के उनको अप्रूव करवा रहे हैं। तो वो यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेप है, प्रेजेंटेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट। आफ्टर दैट स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज बजट एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब एक बार उसको अप्रूव करवा लिया तो आप उस बजट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो वही हमारा थर्ड स्टेप है, बजट एग्जीक्यूशन। द इम्पॉर्टेंट टास्क अंडरटेकन फॉर दिस पर्पज इज टू परचेज ऑफ ऑथराइज टाइम एंड स्पेस ओवर द मीडिया एंड द एजेंसी हैंडल्स द जॉब फॉर एंड बिहाफ ऑफ एडवर्टाइजर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उस बजट को एग्जीक्यूट करोगे, जहाँ जहाँ जो भी रिक्वायर्ड प्लानिंग है, मीडिया है, परचेजिंग है, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करोगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ बजट, ठीक है। बजट आपने बना लिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर आप उसको कंट्रोल करके भी चल रहे हो कि भाई जो भी हमने जितना फंड एलोकेट किया है कहीं उससे ज़्यादा ओवर तो नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द एडवर्टाइजिंग मैनेजर टू सी वेदर एक्चुअल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कॉन्साइड्स विद द बजट एक्सपेंडिचर और नॉट, ठीक है। यानी कि जो भी हमने एक्चुअल डिसीजन लिए हैं
वो फॉलो हो रहे हैं, यानी कि जितने भी हमने फंड एलोकेट किया है ओवर उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल करके भी चलते हैं। तो स्टूडेंट ये प्रोसेस है किसका, एडवर्टाइजिंग बजट प्रोसेस का, ठीक है, एडवर्टाइजिंग बजट का। जहाँ पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रिपरेशन ऑफ बजट। प्रिपरेशन करने के लिए पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा आपकी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होगा, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे, उसको प्रिपेयर करोगे। प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करोगे, उसका एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो, ठीक है, कि भी कहाँ कहाँ कितना फंड रिक्वायर्ड है, और उसको अप्रूव करवाओगे बाय द अथॉरिटी। अप्रूव करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आप उसको कंट्रोल भी करोगे, ताकि जो भी प्लानिंग है आप उसके हिसाब से आगे बढ़े, ठीक है। ये है एडवर्टाइजिंग बजट का प्रोसेस। अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, मेथड्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो बजट एप्रोप्रिएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, दे आर वेरियस मेथड्स विच आर मोर कॉमनली यूज इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। ओके, फर्स्ट वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ आइडियल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट, ठीक है। कितनी हमारी सेल्स है, कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, बजट को यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, ये भी कितना बजट अब हमें आगे हमारे पास है। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है ये वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, यानी कि आप ये देख लेते हो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, उस हिसाब से कितना फंड पैसा आप फर्दर एडवर्टाइजिंग में लगा सकते हो, ठीक है। अगर कोई कंपनी अच्छे से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ठीक है, तो वो उसका बजट साइज क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा बजट साइज़ अपना बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप मार्केट में अपने कस्टमर को अवेयर कर सको और वेरियस सोर्सेज को यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में फैमिलियर बना सको, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बजट साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक पहला मेथड है। सेकंड स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, एडवर्टाइजिंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। अंडर दिस मेथड द अमाउंट टू बी एप्रोप्रिएटेड टू एडवर्टाइजिंग इज अराइव्ड एट बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ पास्ट ईयर सेल्स और प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर द बजट पीरियड विद अ डिटरमाइंड परसेंटेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से भी फिर क्या है, बजट को एक तरीके से एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। तो बजट एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग परसेंटेज सेल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। जहां हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग एलोकेशन इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ रुपीज सेल्स, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ पास्ट ईयर सेल्स, पास्ट ईयर की जो सेल्स है उसको हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जितना भी अमाउंट हम इस बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे, तो उससे क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सेल्स निकल आएगी, और उसके बाद हम बजट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट थर्ड जो मेथड है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको शॉर्ट में आरओआई भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। In this method, advertising expenditure is considered as an investment rather than expenditure. यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, advertising को as a expenditure count नहीं कर रहे हैं, investment count कर रहे हैं, ठीक है। This approach is no doubt correct as the return on gets for advertising is generally spread over a period of time. ओके, तो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते ही हैं अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट से डिमांड क्रिएट होगी ही और आपकी सेल्स बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके इस मेथड को हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक
ठीक है, कि भाई आपने इन्वेस्ट किया है, आपने एक्सपेंडिचर की तरह उसको काउंट नहीं किया है। अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए और जहाँ आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके ये मेथड है। उसके बाद फोर्थ नंबर है कॉम्पिटिटिव पेयरिटी मेथड, कॉम्पिटिटिव पेयरिटी मेथड, ठीक है। इट इज कॉमन टू मॉनिटर द मार्केटिंग प्रोग्राम्स ऑफ अ कॉम्पिटिटर्स। एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी फर्म्स असेस द एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स ऑफ मेजर कॉम्पिटिटर एंड इंडस्ट्री एज अ होल। तो इस मेथड में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कॉम्पिटिशंस की, अपने राइवल्स की। तो हम कॉम्पिटिटर्स को प्रॉपरली यहाँ पे स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं तो किस कौन कौन से सोर्स हो, किस टाइप की मीडिया से और किस तरीके से वो एडवर्टाइजिंग को प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हम क्या है अपने लिए प्लानिंग करते हैं और बजट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव पेयरिटी मेथड। उसके बाद स्टूडेंट फिफ्थ नंबर पे है जो वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ टास्क अप्रोच, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क अप्रोच, ठीक है। Under this approach, the amount to be spent on advertising is determined keeping in the view of predetermined objectives. यानी कि जो भी हम अमाउंट स्पेंड करने जा रहे हैं उससे पहले हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि भाई हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और उन ऑब्जेक्टिव को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टास्क अप्रोच मेथड में हम यही बात कर रहे हैं कि भाई जो भी एडवर्टाइजर है या फिर जो भी प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, जो भी उसके एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके हिसाब से बजट को एग्जीक्यूट करता है या बजट को एलोकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्टिव वो बात कर रहे हैं वो है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, आउटलाइन द टास्क और डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ अकम्पलिशिंग दिस टास्क, ठीक है। सिक्स नंबर पे जो मेथड है स्टूडेंट वो है मार्जिनल अप्रोच, मार्जिनल अप्रोच, ओके। इट इज पॉसिबल टू अप्लाई द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल एनालिसिस टू सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेलिंग, कॉल, सेल्समैन एटसेट्रा। सो दैट्स वाई इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट विल पे टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन सेल्स प्रमोशन सो लॉन्ग एज एडेड कॉस्ट ऑफ विच इंक्रीमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन एफर्ट इज लेस देन एडिशनल ग्रॉस प्रॉफिट इज एड, ठीक है। एक तरीके से मार्जिनल अप्रोच में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एक टाइम के लिए अगर आप एडवर्टाइजिंग में पैसा लगा देते हो तो आपको फिर क्या है एक टाइम के बाद वहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है आपका, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी आपकी स्पेंडिंग वहाँ पे होगी लेकिन बाद में आपको प्रॉफिट होना वहाँ पे शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग इट विल पे टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द सेल्स प्रमोशन एज लॉन्ग टू एडिट द कॉस्ट ऑफ ईच इंक्रीमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन एफर्ट इज लेस देन द एडिशनल ग्रॉस प्रॉफिट इट्स एड, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।